हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इंडियन हैक्स ट्राई करने वाली हूँ जो दुपट्टे सारे इन चीज़ों से हो जाते हैं। मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि दुपट्टे से लोग ऐसे टॉप बना लेते हैं और साड़ी से ड्रेसेस बना लेते हैं, तो मुझे ट्राई करना था कि ये हैक्स असली में काम करते भी है कि नहीं है खाली दिखाने के लिए। तो आज मैं वैसे ही कुछ हैक्स ट्राई करने वाली हूँ और देखते हैं कि वो सच में काम आते हैं कि नहीं। तो मैं सबसे पहला हैक ये दुपट्टे वाला ट्राई करने वाली हूँ। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। तो इस लड़की ने एक दुपट्टा लिया है, उसको फोल्ड करके पीछे से बांधा है इसने, ठीक है। ओके, ये टॉप बन गया। इसने ऐसे दुपट्टा को बांध मार के इसको पीछे से बांध दिया और अब ये टॉप बन गया। ओके, ये हमें ट्राई करना चाहिए। तो इस हैक के लिए हमको चाहिए दुपट्टा, हमको इसको करना है बीच से इक्वल फोल्ड, मतलब बीच से क्या ऐसे इक्वली फोल्ड। अच्छा, ये दुपट्टे वाला हैक ना मैंने बहुत देखा, बहुत सारी जब मैं वीडियोज ढूंढ रही थी ना हैक्स की, तो ये वाला हर जगह था। तो शायद क्या पता ये अच्छा हो। तो इसको मैंने दोनों तरफ से इक्वली बीच वाला पार्ट यहाँ पे रख दिया है और इसको कुछ इस तरह से ऐसे लाना है। तो ये साइड ऐसे लेते हुए यहाँ पीछे गांठ बांध देनी है, ओह ऐसा कुछ। तो इसको एक बार ये टी शर्ट हटा के ट्राई करती हूँ, तब समझ आएगा ये टॉप दुपट्टे वाला टॉप कैसा लग रहा है। तो इस दुपट्टे का ये एक टॉप बन गया है। इसको मैं बाहर पहनने के लिए बोलूँ तो शायद मैं इसको बाहर नहीं पहनूंगी, क्योंकि पीछे से बहुत बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। अगर बाल खोले तो शायद ये अच्छा लगे, और आई डोंट थिंक कि मेरी मम्मी मुझे ऐसे अजीब सा ये दुपट्टे वाला टॉप पहन के कभी बाहर जाने देगी। तो मतलब हैक सही है, अगर लोग पहन सकते हैं बाहर तो पहन सकते हैं ये चीज़, जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दुपट्टे का टॉप ऐसे बना के पहन के चले जाए, पर मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं पहन सकती इसको बाहर। तो मेरे लिए ये हैक काम नहीं किया, आपके लिए करेगा कि नहीं मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो। तो फिलहाल ये हैक तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। वैसे दूर से दिखने में अच्छा लग रहा है, पर सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है, अगर मुझे पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल है। लो ये भी, ये हैक मेरे लिए काम नहीं किया, दूसरा हैक ट्राई करते हैं। तो वो दुपट्टे वाला हैक हम कर चुके हैं, अच्छा था, पर शायद मैं उसको बाहर पहन के ना जा सकूँ। तो अब हम चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। दूसरा हैक है साड़ी वाला, साड़ी से रिलेटेड, कि साड़ी से हम एक ड्रेस बनाएंगे। तो देखते हैं वीडियो। ओके, इसने एक साड़ी ली, उसको जगह से फोल्ड किया और वाह, कितनी अच्छी ड्रेस बना दी साड़ी से। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, एक साड़ी लेके आती हूँ और उसको ड्रेस बनाती हूँ। आई होप ये वाला अच्छा दिखे, पिछले वाला भी अच्छा दिख रहा था पर वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं था, तो ये वाला ट्राई करते हैं। तो साड़ी ले आई हूँ मैं, साड़ी का जो एंड है यहाँ पे हमको नॉट बांधना है, दोनों साइड से एंड से हमें नॉट बांधना है। ये हो गया है, दूसरा साइड मैंने नॉट बांध दी है। तो अब हमको इसको ऐसे पहनना है, एक साइड से ऐसे साइड का भी पहन देना ऐसे। फाइनली मैंने देख के अच्छे से पहन ली, अब पीछे की प्लेट है जो मैं बहुत देर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ और बनी नहीं रही है, मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। प्लेटें मैं इतनी परफेक्ट नहीं बना रही, क्योंकि उतनी परफेक्ट मुझसे बनती नहीं है, पता नहीं कैसे बना लेती हूँ। पता बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है, वरना आवाज़ आती है, मेरी आवाज़ साफ नहीं आती जो मैं बोल रही हूँ। तो ये बन गई प्लेट है, तो प्लेटों को हमें ऐसे पीछे डाल देना था। हम प्लेटों को पीछे डाल चुके हैं, ये लेके हमको यहाँ एक बेल्ट लगा लेनी है। रुको मैं बेल्ट लेके आती हूँ, लेके रखा था मैं सारा सामान, मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, मुझे पानी पीना अभी से, ये वाला है करके मैं पानी पीऊंगी। चाहे मुझे समझ नहीं आ रहा ये है काम किया कि नहीं,
रुको मैं इसको फुल स्क्रीन में दिखाती हूँ, तब समझ आएगा ये है काम किया कि नहीं। तो ये साड़ी वाली ड्रेस असली में कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब मैं उतनी ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ इस साड़ी वाले ड्रेस से भी। तो नहीं, शायद उसने अच्छे से बांधी और मैंने अच्छे से नहीं बांधी, पर जैसा उसने किया मैंने वैसा ही वैसा किया। अच्छी लग रही है, मतलब शायद मैं इस टी शर्ट के साथ नहीं पहनती तो अच्छी लगती, पर बिना टी शर्ट के भी अभी मैं पहन नहीं सकती इसको, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो जाएगा। एक तो इसका बैकलेस हो रहा है, वैसे शायद ये ऐसे हम बैक कवर कर सकते हैं इसके ही कपड़े से, पर मुझे कुछ इतनी खास पसंद नहीं आई। तो ये वाला हैक भी अभी मेरे वर्क नहीं करता है। तो इसके बाद वाला हैक है प्लाजो वाला, हम एक प्लाजो वाला हैक ट्राई करने वाले हैं, तो पहले वीडियो देख लेते हैं कैसी है। तो ये है प्लाजो वाली वीडियो। इसने एक प्लाजो लिया, इसको उल्टा रखा पीछे वाला साइड अंदर और यहाँ से बांध दिया। शायद ही एक अच्छा टॉप बन सकता है, मुझे ट्राई करना होगा। तो मेरे पास एक रेड प्लाजो है, ये बहुत अनप्रेस्ड है क्योंकि मैं अपनी कपड़े प्रेस नहीं करती। इसने प्लाजो ऐसे उल्टा रखा, ठीक है, इसे उल्टा रखा। ये कितना ब्राइट कलर दिख रहा है इसका, उल्टा रखा। पीछे वाला पार्ट जो होता है ये इसको जो थी जीन्स पजामा से जो भी पहना था उसके अंदर डाल दिया था, तो मैं भी डाल देती हूँ। तो अंदर जा चुके हैं। और ये वाला चीज़ जो थी उसने यहाँ पे प्लाजो का ही कुछ नाड़ा था उसे बांध दिया था, तो फिर मैं बेल्ट लगा लेती हूँ क्योंकि नाड़ा तो मैं कहाँ से लाऊँ अभी। तो मैं इसको ऐसे करके जैसे उस लड़की ने उस नाड़ा बांधा मैं बेल्ट बांध लगा लेती हूँ। तो ये है फाइनली जो फाइनल लुक जो प्लाजो वाला हैक करके हमें मिला है। ये बहुत अच्छा टॉप बन चुका है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब शायद मैं इसको बाहर पहन सकूँ पर नहीं पहनूंगी भाई, किसको पता चल गया मैं पजामा पहन के आई हूँ अपने ऊपर तो अजीब हो जाएगा। और पीछे से भी बहुत क्लियर अच्छा लुक दे रहा है, कुछ बुरा नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद ये कुछ और चीज़ है, ऐसा लग रहा है कोई अच्छा फैंसी टॉप है जो ऐसे पहनते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस वाले हैक से, फाइनली कोई हैक जो मुझे मेरे काम आया, जो मेरे पे अच्छा लग रहा है। पता नहीं अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, या मैं ही खुश इतनी खुश हो रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सा वाला हैक सबसे अच्छा लग रहा था और कौन सा हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे पहन सकते हैं। तो चलो ये वाला हैक तो मेरा सही हो गया, अब हम जाते हैं दूसरे हैक की तरफ। ये वाला हैक जल्दी भी हो गया औरों के हिसाब से। तो तीसरा हैक है सूट और एक टी शर्ट लेके एक अच्छा सा टॉप बनाने का। तो वीडियो देखते हैं। एक सूट लिया, उसको एज इट इज उसके हाथ यहाँ बांधे, फिर एक टी शर्ट उसका गर्दन। वाओ, ये काफी अच्छा लग रहा है, ट्राई करते हैं ये कैसा लगता है मुझ पे। तो कोई टी शर्ट जिसका गर्दन मैं यहाँ से यहाँ डाल सकूँ, शायद ये नहीं होगा, ये मेरे भाई का टी शर्ट है, खाली कुछ और गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे डांटेगा और कभी फिर अपनी टी शर्ट्स पहनने नहीं देगा। तो मैं अपनी कोई ढीली गले वाली टी शर्ट ढूंढ लेती हूँ और एक कुर्ती ढूंढ लेती हूँ जो मुझे यहाँ से आ बांधनी है। तो उसने कुर्ती में सीधे यहाँ हाथ डाला था सबसे पहले, फिर ये हाथ और ये हाथ यहाँ बांध, तो मैंने बांध लिया था। अब मुझे एक टी शर्ट पहननी है। टी शर्ट उसने ऐसे किया है कि ये हाथ यहाँ से डाला है, कुछ यहाँ से निकाल दो, और दूसरा हाथ यहाँ डाला है और पहन लिया है, इतनी सारी चीजें एक साथ। थैंक गॉड इस टी शर्ट का गला बड़ा है, तो अभी तक कोई टी शर्ट अभी खराब हो चुकी होगी, कितना अजीब लग रहा है ये। उसके बाद इसको यहाँ से बांधना है, वो इसकी गांठ कितनी अजीब दिख रही है यहाँ से निकली हुई, तो इसको मुझे कुछ इसका करना पड़ेगा जुगाड़। उसने अभी एक और चीज़ करी थी, उसने एयरिंग लेके यहाँ से यहाँ ऐसे बांध दिया था, मैं वो नहीं करने वाली बिना उसके भी की है। ये है उसका हैक, वेट मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये बहुत अजीब लग रहा है, बहुत 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 अजीब, मतलब तुम ऐसा पहन के बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अजीब लग रहा है। मैं तो सोच रही मैंने इसको ट्राई क्यों किया, अच्छा मैंने ट्राई कर ही लिया,
मुझे लगता था वाओ ये हैग्स बहुत अच्छे होते हैं, काल मैं इनको ट्राई क्यों नहीं करती हूँ। ये क्या है, ये कितना अजीब लग रहा है, मतलब छोड़ो, हो गया, मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ये बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं उस लड़की के ऊपर तब भी सही लग रहा था पर मेरे ऊपर, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, मतलब मैं कभी इसको ऐसे बाहर पहन के नहीं जा सकती हूँ। और ये बहुत अंदर से, एक तो इसकी वो गांठ भी दिख रही है और यहाँ से इसका, इस टी शर्ट का दूसरा हाथ भी निकल रहा है। मैं इसको हो गया, मैं इसको चेंज करती हूँ। ये हैक तो बहुत बेकार था, मतलब मुझे बिल्कुल भी, मेरा मेरे पे सूट नहीं कर रहा है और किसी पे पता नहीं सूट करेगा भी कि नहीं। भाई ये क्या है, ये कितना अजीब लग रहा है। चलो जो भी है इसको हटाओ, अब होप सेकेंड हैक थोड़ा अच्छा हो और अच्छा दिखे, तो सेकेंड हैक की तरफ चलते हैं। ये वाला जो हैक है, मुझे इससे बहुत उम्मीद है कि शायद ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दुपट्टा वाला हैक है और दुपट्टे मोस्टली हम दुपट्टों से अच्छे टॉप्स बना सकते हैं, मतलब अच्छे ही लगते हैं और ये लड़की भी अच्छी लगी रही थी। तो पहले वीडियो देखते हैं। ओके, इसने दुपट्टा से बांधा, अच्छा रिवर्स मोशन में, वेट, इसे कितना अच्छा टॉप बना दिया एक दुपट्टा यूज करके, मुझे ये ट्राई करना चाहिए। चलो मैं ये ट्राई करती हूँ, मैं दुपट्टा लेके आती हूँ। ओके, तो मैंने ये हैक करने के लिए ये टी शर्ट पहने, क्योंकि वो बहुत रिवीलिंग हो रही थी जो मैंने पहले पहनी थी, तो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये दुपट्टा पीछे से लेना है और यहाँ बांधना है, पर इसका इतना छोटा कैसे हो गया, मतलब तो लंबा हो रहा है, शायद इसे स्कार्फ यूज कर रही है, स्कार्फ दुपट्टे से छोटा होता है। तो कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा इधर से लेके बांध देती हूँ। बहुत गर्मी लग गई है, मैंने पूरे बाल ऊपर बांध दिए, यहाँ मैंने बांधने का, और जो नीचे वाले पीसेज हैं इनको मैं लेके जाती हूँ ऊपर। मैं इसको एक एक करके पीछे रख लेती हूँ। ये एक अजीब सा टॉप बन गया है, बहुत ट्रांसपेरेंट, पीछे से भी अजीब सा है। अरे मुझे ये भी बिल्कुल अजीब लग रहा है, एक तो इतना ट्रांसपेरेंट भी हो, तो मैंने अंदर से टी शर्ट पहनी है तो कितना अजीब लगता है, और उसका कितना अच्छा लग रहा था, उसका इतना अच्छा क्यों लग रहा था। चलो जो भी है, इसको भी हटाओ, इससे भी मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मे बी कुछ लड़कियाँ इसको यूज़ कर सकती हैं, जो वो ही सेम जिनके पास इतना कॉन्फिडेंस है ऐसे बाहर अजीब, मतलब अजीब से डी आई वाई कपड़े पहन के बाहर जाने का, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इससे अच्छा मैं नॉर्मल टी शर्ट्स ही पहन लूँ। तो इसको छोड़ो, इसके बाद वाला हैक देखते हैं। उसका बाद वाला हैक भी यही वाली लड़की करी है जो देख के हमने अभी किया, तो देखते हैं ऐसी की आगे वीडियो। ओके, तो इसने वही स्कार्फ फिर से लिया, इसको वहाँ से सेफ्टी पिन से बांधा, और इसने बहुत अच्छे इसको आउटर बना दिया। ये शायद, मुझे लगता है ये हो सकता है, ईजिली हो सकता है। चलो अब ये वाला ट्राई करते हैं। इसमें हमको एक दुपट्टा लेना है, उसको ऐसे फोल्ड करना है, मैं इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर चुकी हूँ पहले से, और एक और बार फोल्ड करना है कुछ ऐसे, और फिर उसने इस साइड सेफ्टी पिन लगाया। मैं सेफ्टी पिन, और अब सेफ्टी पिन ढूंढनी पड़ेगी, रुको मैं लेके आती हूँ। ले आई मैं सेफ्टी पिन, तो इस जगह हमें सेफ्टी पिन लगानी है, तो इसको हमें ऐसे पहनना है ऐसे और ऐसे। बढ़िया, उससे हमने शक की तरह हम इसको पहन सकते हैं ऐसे, रुक रुक रुक, कुछ ऐसे पहने, मैं अभी भी गलत कर रही हूँ, इन दोनों को बराबर कर लेती हूँ तब समझ आएगा कि मुझे किस तरह पहनना है ये। वाओ यार, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं सच्ची में कभी नहीं, पर ये पीछे से तो ऐसा दिखेगा क्या यार, थोड़ा थोड़ा खुश करके। सामने से तो ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं बहुत खुश हूँ इसके सामने से, इसको देख के बहुत प्रिटी लग रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये सामने से बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे पहन के कहीं चले ही जाऊँ, पर मैं इसको शायद नहीं पहन सकती सामने से, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है, पीछे से बहुत अजीब सी है, तो मुझे पता नहीं कि मैं इसको बाहर पहन के जा सकती हूँ कि नहीं, पर अगर पीछे से मैं इसको जितने होल से कवर कर लूँ, अगर मैं स्टिच कर लूँ, अगर थोड़ी और मेहनत करना चाहूँ, तो शायद ये पहनने में अच्छी लग सकती है। तो चलो ये वाला हैक तो मुझे थोड़ा सही लगा, औरों के हिसाब से, और तो बहुत स्टूपिड थे, बहुत अजीब थे, तो बहुत मज़ा आया सारे हैक्स ट्राई करके, कुछ कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ कुछ बहुत स्टूपिड थे, स्पेशली वो
इधर पे कुर्ती वाला तो सबसे ज्यादा स्टूपिड था, बहुत अजीब लग रहा था। पता नहीं कोई इसको प्रैक्टिकली पहन भी कैसे सकता है, या किसी ने, जिसने भी वो हैक इन्वेंट किया पता नहीं उसे क्या सोच के किया। कि वैसे भी पता है सारे जितने भी हैक्स होते हैं वो बस मुझे लगता है कि सिर्फ फोटोज खींचने में ही अच्छे लगते हैं, और ऐसे प्रैक्टिकली हम कभी भी कुछ उसको पहनना चाहे तो नहीं पहन सकते, क्योंकि कहीं से कहीं कुछ स्ट्रिच किया होता है, कहीं कुछ बांध रखा होता है, तो अजीब लगता है कुछ, इतना कुछ खास नहीं लगता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। मैं कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, पता चलता है कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी डालती रहूँगी।